उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की हत्याएं, उत्पीड़न और उपेक्षा हो रही है, जिससे प्रदेश में 18% आबादी वाले ब्राह्मण समाज स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इस पर अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण महासभा के आह्वान पर प्रदेश मंत्री आचार्य राजेश शर्मा ने ब्राह्मण हुतात्माओं की शांति हेतु एक सामूहिक यज्ञ का आयोजन किया, जिसके पश्चात उपस्थित समाज के लोगों को वहां बैठे लोगों को संबोधित किया। वक्ताओं ने कहा कि ब्राह्मणों को समाज की मुख्य धारा से अलग थलग करने का षड्यंत्र चल रहा है, जबकि अनादिकाल से ही ब्राह्मणों ने सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का काम किया है। राजनीति की दिशा में और दशा बदलने का मुद्दा भी ब्राह्मण समाज आता है। यदि समय रहते ब्राह्मणों का उत्पीड़न बंद नहीं किया तो भगवान परशुराम का फरसा लेकर ब्राह्मणों को अपनी रक्षा के लिए स्वयं ही सड़कों पर उतरना पड़ेगा। अगर प्रदेश सरकार द्वारा ब्राह्मणों पर हो रहे अत्याचार न रोके गए तो ब्राह्मण समाज लखनऊ में भी क्रमिक अनशन और भूख हड़ताल पर करेगा। सामूहिक यज्ञ के दौरान मुख्य रूप से मंडल महामंत्री राधेलाल शर्मा, जिलाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा, महानगर अध्यक्ष सुमित भटनागर, परशुराम जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट के महासचिव राजीव दुबे, धवल दीक्षित, कुलदीप तिवारी, रामकिशन शर्मा, कृपाशंकर शर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में 2017 से आज तक हजारों ब्राह्मणों की हत्याएं हो चुकी हैं, और जो हत्याएं ब्राह्मणों की हो रही हैं वो एक षड्यंत्र के तहत हो रही हैं, ऐसा हमको लगता है। क्यों के ब्राह्मण इस देश को, इस समाज को दिशा देने का काम करता है, इस देश की पूरी संस्कृति को बदलने का काम करता है, इस देश को एक सही दिशा में ले जाने का काम करता है। तो ब्राह्मण पर इतना जो अत्याचार हो रहा है ये असहनीय है। इस दृष्टि से पूरे प्रदेश में आज प्रत्येक जिला मुख्यालय पर ये जो अभी तक हमारे ब्राह्मण समाज के लोग की हत्या हुई है, उनकी हुतात्माओं की शांति के लिए पूरे प्रदेश में आज जिला मुख्यालय में यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले भी 28 जुलाई को हमने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन दिया था, जिसमें हमने सरकार से मांग की थी कि जितनी हत्याएं हुई की न्यायिक जांच हो, लेकिन अभी तक उसमें कुछ भी नहीं हुआ है। इस कारण से ब्राह्मणों को पुनः खड़ा होना पड़ा है, और अभी तो हम शांतिपूर्ण तरीके से ये सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। यदि आवश्यकता पड़ी तो हम लोग भगवान परशुराम का फरसा भी उठाएंगे और सड़कों पर निकलेंगे, और फिर न्याय कैसे होता है ये हम सरकार को बताएंगे। आज क्या किया है आपने? आज हमने जो ब्राह्मण बंधु हमारे जिनकी हत्याएं हुई हैं उत्तर प्रदेश में, उनकी हुतात्माओं की शांति के लिए, उनकी आत्माओं की शांति के लिए आज हमें यज्ञ का आयोजन पूरे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद स्तर पर किया है।